नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सारुस डिजाइन में। अभी तक बहुत दिनों से हमारी कोई वीडियो नहीं आ रही थी, बट आज से हम लोग फिर से वापस उसको रिज्यूम करते हैं। और आज हम लोग देखते हैं कि जो सिरामिक टाइल्सेज होती है उनकी चर्चा तो हम लोगों ने कर लिया, विट्रीफाइड टाइल्स की भी चर्चा हम लोगों ने कर लिया, और ये भी समझ में आ गया किसको कहाँ यूज करना है। बट आज हम लोग मार्बल और विट्रीफाइड टाइल्सेज इनके बीच में कंपेरिजन करेंगे, इनके पैरामीटर को जानने की कोशिश करेंगे कि किस जगह पे कौन सी अच्छी बैठेगी और हमें क्या यूज करना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको हम अपने बारे में बता दें, हमारी फर्म है सारुस डिजाइन के नाम से, जो पटना बेली रोड में है। और इस पे आपको इंटीरियर रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको नीड पड़ती है, या कभी आप चाहते हैं कि मेरे को कोई नीड जरूरत है इस सेगमेंट में, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। आप हमसे कोई किसी भी प्रकार की हेल्प आप हमसे ले सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जो हमारी टॉपिक है मार्बल वर्सेस विट्रीफाइड टाइल्सेस, हम लोग इसके अक्रेंस को देखते हैं। तो जो मार्बल होती है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जिसको पहाड़ को खोद करके इस प्रोडक्ट को बनाई जाती है, उनके पत्थरों को निकाल कर फिर तराश कर लोग बनाते हैं इसको। ये बिल्कुल ही नेचुरल होती है और उसी हिसाब से वो ठोस मजबूत भी होती है। और ठीक इसके विपरीत जो टाइल्सेस होती है वो मैनमेड प्रोडक्ट होती है, जिसमें आपको पॉलीमर, सिलिका, क्ले, इन सबों को यूज करके हाईली कंप्रेस करके हम लोग उसको तैयार करते हैं। अब इनकी लाइफ स्पैन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो मार्बल होती है वो अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कुछ कुछ समय के बाद इसमें ना घिसाई करनी पड़ती है, तो अगर आप वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट करते तो वो बहुत लंबी चलेगी, सालों साल चलती है। कई लोग तो इसकी अगली पीढ़ियों के लिए भी तैयारी करके रखते हैं कि अगर एक बार आप इस मार्बल को लगा लेते तो 2-3 पीढ़ी आपकी आसानी से निकल जाती है। तो मार्बल की जो लाइफ स्पैन होती है वो काफी लंबी होती है, बट आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कुछ कुछ समय के बाद आपको इसकी घिसाई करनी पड़ेगी। ठीक इसके विपरीत अगर आप विट्रीफाइड टाइल्सेस आप कितनी भी अच्छी ले लो, ये आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी, 20-25 साल तक चलती अगर आप बहुत अच्छे लेकर के जाते हो। बट उसमें दिक्कत यही आती है कि कुछ समय के बाद उसका कलर फेड होने लगता है। तो 20-25 तो मैं बहुत ज्यादा बोल गया, बट फिर भी आप कितनी भी अच्छी लोगे बट 25 से ऊपर आपकी नहीं जाएगी। अब इसके अगले पैरामीटर पर बात करते हैं, जो है लुक्स के ऊपर। तो लुक्स तो आपको अच्छे से पता ही होगा, मार्बल की जो लुक्स होती है वो शालीनता और ब्यूटी के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड वो फेमस है, और सभी दुनिया भर के लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरी इसकी खासियत है कि लुक देखने में बिल्कुल शाही रॉयल लुक देती है आपको। ठीक इसके विपरीत आप टाइल्सेस को आप देखते हैं, तो अच्छी तो ये भी होती है क्योंकि इनके पास भी डिजाइन बहुत है, प्रिंटेबल सिस्टम आ चुका है, तो बहुत अच्छी इनके पास भी होती है। बट मार्बल के कंपेरिजन आप देखेंगे तो उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी लुक्स के अंदर में। इसके अगले पैरामीटर पर हम लोग चलते हैं, जो है डिजाइन के ऊपर। क्योंकि ये पहाड़ से खोद कर इसको निकाली जाती है, तो मार्बल आपको लिमिटेड, आपकी जो डिजाइन होगी वो काफी लिमिटेड होगी, 4-5 तरीके की आती है, सिमेट्रिकल नहीं होगी। बहुत ऐसा केस होगा कि मिलती जुलती आपकी टाइल्सेस नहीं मिल पाते, सॉरी टाइल्सेस करे वो मार्बल आपको मिल नहीं पाती है। तो इन चूंकि नेचुरल प्रोडक्ट है तो आप खुद भी समझ सकते हो कि इनकी डिजाइंस ना बिल्कुल लिमिटेड होती है। बट टाइल्स ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रिंट सिस्टम से हम लोग इसको तैयार करते हैं, तो इसके ऊपर आप मल्टीपल डिजाइन, जितने भी डिजाइन आप चाहते हो, जैसे भी डिजाइन आप चाहते हो, आप बस प्रिंट मीडिया के तरह यूज करके इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो डिजाइन में इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है आपको टाइल्स की। अगले टॉपिक पे आते हैं, जो है स्टेन रेसिस्टेंस। स्टेन ये अक्सर हम लोग देखते हैं, जो हम लोग टाइल्सेज या मार्बल यूज करते हैं वो हम लोग फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं। आप कभी भी कहीं भी मूव कर रहे हो, कहीं भी रोम कर रहे हो, तो कोई ना कोई सामान आपके साथ चल रहा होता है, कभी आप चाय कॉफी वगैरह लेकर चलते, अगर वो नीचे गिर गई तो कहीं ना कहीं वो स्टेन पकड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये कंपेरिजन में बहुत ही जरूरी एक पैरामीटर होता है, जिसको हम लोग हमेशा कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर आप जब इस पैरामीटर पर कंपेयर करते हैं, तो मार्बल में क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टी जिसकी ये होती है कि इसके अंदर पोरोसिटी होती है, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इस पोरोसिटी के कारण क्या होता है कि कभी भी आपका स्टेन वगैरह अगर कुछ गिरता है, कोई प्रोडक्ट वगैरह गिर जाता है, कोई ऐसा छोटा मोटा जिसकी पार्टिकल्स फॉर्मेशन में होती है, तो वो क्या करता है, वो पोरोसिटी होने के कारण उसको होल्ड कर लेता है। तो ये पोरोसिटी के कारण ना ये स्टेन को पकड़ के रखता है, इसको साफ करना बहुत कठिन हो जाता है। तो मार्बल में अगर हम देखते हैं तो स्टेन रेसिस्टेंस के लिए ये थोड़ी पीक पर जाती है, और ठीक इसके विपरीत पोरोसिटी आपकी नहीं होती, बहुत ही चिकना होती है विट्रीफाइड टाइल्सेस। तो इसके लिए आप ऐसा मान सकते हो कि अगर इस पर स्टेन वगैरह गिर भी गए तो आप आसानी से साफ कर सकते हो। तो लो पोरोसिटी के कारण जो आपकी टाइल्सेज होती हैं वो हाईली रेसिस्ट करती हैं स्टेन को। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, तो मार्बल चूंकि चट्टानों से निकलती है तो चट्टान जैसी मजबूत भी होती है, तो ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। बट इसके ठीक विपरीत टाइल्सेज इतनी मजबूत नहीं होती जितनी आपकी मार्बल होती है। अगले टॉपिक पे आते हैं, जो है आपके स्क्रैच रेसिस्टेंस। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट, हैवी प्रोडक्ट ले जाते हो जिसमें नॉचेज वगैरह बनी होती है, कोई एजेस वगैरह होते हैं, कहीं घसीट के आप ले जा रहे हो, तो
बहुत ऐसा चांस होते हैं कि उसमें स्क्रैच वगैरह लग जाते आसानी से। तो अगर इन पैरामीटर पे आप देखते हो तो मार्बल के अंदर इजिली स्क्रैच आपके नहीं लगती, क्योंकि ये ड्यूरेबल, हाईली ड्यूरेबल होती, बहुत ही मजबूत होती है। तो स्क्रैच लगना मार्बल में थोड़ी मुश्किल है टाइल्स की अपेक्षा, टाइल्स में आपकी आसानी से स्क्रैचेस लग जाते। अब हम लोग इसके इंस्टॉलेशन को देखते हैं कि समय कितना लगता है इंस्टॉल करने में। तो अगर आप मार्बल को कंसिडर करते हो तो जो टाइम इसको लगाने में, इंस्टॉल करने में होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। और जब इन सब पैरामीटर को हम लोग कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसमें घिसाई भी आपको करानी पड़ती है, इस पे जब आप लगाते हो तो क्लटरिंग भी अच्छी खासी, जो आपकी बहुत गंदगी वगैरह भी फैलती है और कॉस्टली, चूंकि समय ज्यादा लगता है तो ये थोड़ी कॉस्टली भी पड़ जाती है। और ठीक इसके विपरीत आपकी रेडी टू यूज होती है टाइल्सेज, जो विट्रीफाइड टाइल्सेज है, तो इसको लगाने में आपको बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है और इसको आसानी से कोई भी अफोर्ड भी कर सकता है। बट इसमें एक चीज का आपको हमेशा से ध्यान रखना होगा कि जब भी आप टाइल्सेस को लगा रहे हैं तो उसमें ग्राउटिंग जरूर कर ले, क्योंकि इसके बीच की जो गैप होते हैं उसको भरना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा आपकी ये बहुत लंबे समय तक टाइल्स नहीं चल पाए। अगले सेगमेंट में आते हैं जो है आपकी कॉस्टिंग के ऊपर। तो जब हम लोग पूरी मार्बल की इंस्टॉलेशन, उसकी मेंटेनेंस और उसके जो परचेज है, आप सब चीज को जब कंसिडर करते हैं तो मार्बल बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ता है कंपेयर टू आपकी विट्रीफाइड टाइल्सेस। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि लगभग लगभग दुगनी ही पड़ जाती है, जब आप सब पैरामीटर को लेकर चलते हैं, उनके मेंटेनेंस वगैरह को लेकर, तो लगभग लगभग ये दुगनी पड़ जाती है। जबकि विट्रीफाइड टाइल्सेज या कोई भी टाइल्सेज इतनी कॉस्टली आपको नहीं पड़ेगी। अब हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं कि किस जगह पे हमारी कौन सी सुटेबल है, कौन सी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो हर पैरामीटर का अगर आप देखते हो, जैसे अगर आप लाइफ के हिसाब से बात करते हो तो लाइफ स्पैन में जो मार्बल होती है वो सबसे ऊपर निकलेगी। तो अक्सर मार्बल को यूज कहाँ किया जाता है, अगर आप लाइफ स्पैन देखो तो जैसे जो भी बंगले वगैरह बनते हैं, बंगलो बन गया या फिर कोई हवेली वगैरह बनता है, तो वो लोग वहां पे हमेशा मार्बल यूज करते हैं। उसका कारण यही होता है कि जो भी वहां पे क्लाइंट होते हैं वो चाहते हैं कि जो भी हमारा ये घर वगैरह या जो हवेली हमारे तैयार हो रही है वो 3-4 पीढ़ियों के लिए हो। तो उस सेगमेंट में अगर आप टाइल्स लगाते तो वो चल नहीं सकती, वो फेड हो जाती है, तो वहां पे आपको मार्बल काम आता है। बट अगर आप लुक्स के हिसाब से देखते हो, लुक्स जहाँ देखना, जहाँ जैसे अपार्टमेंट वगैरह होगा जहाँ आप 50-60 साल तक के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे टाइल्सेज आपकी प्रेफर की जाती है। इसके अलावा डिजाइन है, तो डिजाइन आपके बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो वो डिपेंड करती है कि आपकी नीड क्या है, आपको किस सेगमेंट में कहाँ पर देखना है। और बहुत ऐसा भी केस मिलेगा जैसे स्टेनलेस स्टेंस है, वहाँ कभी भी आप ये नहीं देखोगे जहाँ किचन वगैरह का जगह होता है वहाँ आपको मार्बल लगाते हुए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे चाय कॉफी या कोई मसाला वगैरह तो गिरेगा ही गिरेगा। तो इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान रखते हो ना, फाइनल कंक्लूजन आप निकालते हो, तो फिर आप खुद से ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आज हम लोगों ने जो सीखा है, जो जाना है, उसके हिसाब से आप घर में जो भी आपकी प्लानिंग चल रही है वो आप करवा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी अगर आपको कोई नीड लगती है कि नहीं हमें भी कोई गाइडेंस चाहिए इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें